फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में आज दो पाकिस्तानी और एक अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को फरीदाबाद में नागरिकता दी जा चुकी है और बाकी कई लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया है उनको भी सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वहीं नागरिकता मिलने के बाद सभी ने खुशी जाहिर की और भारत सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। जिला उपायुक्त फरीदाबाद जितेंद्र यादव ने अपने हाथों से सभी को सर्टिफिकेट दिए और बताया कि 25 जून 2021 से सरकार द्वारा नागरिकता देने की प्रक्रिया जिला कार्यालय को सौंपी गई थी। तभी से इस प्रक्रिया के तहत अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। ये बहुत ही हर्ष की बात है और सरकार का बहुत अच्छा पहल है। आज तीन हमने जो नागरिक थे अफगान से रिटर्न्स आए हुए थे जो यहाँ पे कुछ समय से रह रहे थे तो तीन को दिए, व्यासलाल जी को, काजल को और मुनीश को। 25/6/2021 के बाद जब से ये पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डेलीगेट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, निरंतर जिसकी आईबी क्लियरेंस होती है, एक प्रोसेस है, ऑनलाइन ही वो आवेदन अप्लाई करता है, उसके बाद एक स्क्रूटनी होने पर आईबी की रिपोर्ट जब हमारे पास होके आती है उसके बाद हम यहाँ पे सीपी सर की रिपोर्ट और कंसर्न एसडीएम एरिया की रिपोर्ट लेने के बाद बीच में दो तीन और प्रोसीजर है जहाँ जहाँ पर उसे अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाते हैं, उसका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है जिस भी कंट्री से वो आया है यहाँ पे भारत में वो जमा हो जाता है, उसके लास्ट स्टेज में हम उसको सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं। लगभग कुछ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पावर डेडिकेट किए। हरियाणा में फरीदाबाद ऐसा जिला है तो अच्छी पहल, और हमारी कोशिश रहती है कि जैसे ही वहाँ से उनकी क्लियरेंस रिपोर्ट आए हमारे लेवल पे कोई डिले ना हो। 25 एप्लीकेशन दे चुके हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, उनका भी जैसे जैसे रिपोर्ट्स ओके आती रहेगी हम उनको देते हैं। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद पाकिस्तानी लड़के और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही बताया कि यहाँ के माहौल और पाकिस्तान के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ना तो पढ़ाई थी ना ही रोजगार का माहौल था। मिस कहाँ से आए आप? हम पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से? हाँ जी। अब यहाँ पे आपको आज डीसी कार्यालय में बुलाया गया था, क्या कारण था? आज हमें सिटीजनशिप मिली है इंडिया की, नागरिकता, इंडिया की नागरिकता मिल गई आज। डीजी साहब ने पत्र दे दिया आपको, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग। तो हरियाणा सरकार या भारत सरकार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सिटीजनशिप दी अब और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करी है जिसकी वजह से आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें अंदाजा 14 साल हो गए। जहाँ पे आप पहले थे उस देश की परिस्थिति में और भारत की जो परिस्थिति है कैसा महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क है वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में। वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई में पढ़ाई नहीं थी, यहाँ पे एजुकेशन वगैरह है, वहाँ पे कोई इनकम सोर्स इतना नहीं था हमारा, यहाँ पे इनकम सोर्स भी अच्छा है और वहाँ का लाइफ स्टाइल यहाँ के लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। काजल कहाँ से आए आप? पाकिस्तान से। आज आप डीसी कार्यालय में यहाँ पे आए हैं, क्या कारण रहा? हमें आज सर्टिफिकेट। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक होने का कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। हरियाणा सरकार भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी 10th कर चुकी हूँ, 12th ऑनलाइन पढ़ाई। अगर वहाँ के माहौल की बात करें तो वहाँ के जहाँ पहले कंट्री में रहते थे और भारत के माहौल में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? यहाँ बहुत सेफ है, वहाँ पर सेफ नहीं था बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादा सेफ है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? मैं यहाँ 12 साल। 12 साल। बता दें कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष कानून बनाया है और इसी के तहत इन लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।